नेक्स्ट वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल रिगार्डिंग बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेरिएबल्स। जनरली अगर देखा जाए तो किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन हमेशा ग्रुप ऑफ बाइट्स के फॉर्म में परफॉर्म होता है, इधर 1 byte और 2 byte और 4 bytes लाइक दैट। लेकिन इसे एग्जांपल्स के थ्रू किसी वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन बिट्स के फॉर्म में भी परफॉर्म कराना पॉसिबल है। इस करेंटली देखा जाए, मैं इस एग्जाम्पल को जस्ट बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बिफोर दैट वी वॉन्ट टू डिस्कसिंग हाउ टू एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। इसे किसी वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस बिट्स के फॉर्म में एलोकेट कराने के लिए यूज करें सम स्ट्रक्चर डिक्लेरेशंस, स्ट्रक्चर डिटेल्स में डिस्कस करें लास्ट सेशन ऑफ सी लैंग्वेज। अभी करंटली मेरा मोटिव स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना नहीं, करंटली मैं कह जाता हूँ ओनली बेसिक्स हाउ टू एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। मीन्स करंटली हो सकता है अगर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन आपको क्लियर ना हो, लेकिन इसके इसमें ऑब्जर्व करना है हाउ टू एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अगर किसी वेरिएबल्स के लिए डायरेक्टली आप मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करते हो लाइक इंटीजर एक्स, तो करंटली इसके इसमें इंटीजर्स के अकॉर्डिंग एक्स का साइज के अगर 2 bytes इन 16-bit कंपाइलर और वी कैन से 16 bits। ठीक है, सेम है अगर इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन अगर बिट्स में कराना, देन इस पर्टिकुलर सिंटैक्स और कोड को फॉलो करके बिट्स में भी एलोकेशन कराना पॉसिबल लाइक दैट। अगेन वी आर डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल एज एक्स, लेकिन इस केस में एक्स डायरेक्टली डिक्लेयर ना करके स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है। स्ट्रक्चर अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर सी का लास्ट टॉपिक होगा। अभी स्ट्रक्चर को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, ओनली इस डिक्लेरेशन को फोकस करना है। अगर किसी वेरिएबल के लिए ओनली 3 bits एलोकेट कराना, देन यूज करोगे वेरिएबल नेम :3 :। अगर 3 पास किया तो जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एक्स के लिए एग्जैक्टली 3 bits एलोकेट होंगे। अगर 4 bits एलोकेट कराना, देन सप्लाई करेंगे :4। इस केस में एक्स का साइज क्या हुआ 4 bits। सेम है अगर 7 bits एलोकेट कराना, प्रोवाइड क्या करोगे 7 लाइक दैट। प्लस इसके साथ साथ इस केस में जब भी वेरिएबल नेम क्रिएट हुआ, इस केस में स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस न करके इसको स्ट्रक्चर के सेपरेट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करें। सपोज मैंने एक डिक्लेरेशन टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए पी, तो इस केस में वेरिएबल को एक्सेस करने का वे होगा p.x नॉट ओनली एक्स अकॉर्डिंग टू सिंटैक्सिस। नेक्स्ट वन लेट्स सी दैट एग्जांपल अगेन। इन दैट केस वी आर डिक्लेयरिंग सम स्ट्रक्चर इनिशियली, सपोज वी आर इंक्लूडिंग ऑल रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स लाइक हैश इंक्लूड stdio.h conio.h एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम में एक्स का साइज क्या है 3 bits, लेकिन इसको एक्सेस कैसे करेंगे p.x। देयरफॉर वी आर यूजिंग p.x इक्वल्स टू 1 डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स इज p.x लाइक दैट। मीन्स करेंटली जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले एक्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा 3 bits, लेकिन इस लोकेशन का कंप्लीट नेम क्या है p.x नॉट ओनली पी और नॉट ओनली एक्स p.x। फिर पी इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। नेक्स्ट वन मीन्स यहाँ पी को कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, फिर स्ट्रक्चर को कॉन्सेंट्रेट करने की नीड है, इसके इसमें केवल ऑब्जर्व करना है। और वेरिएबल्स के लिए 3 bit एलोकेट कराना, देन इस टाइप का सिंटैक्स फॉलो करके एलोकेट कराना पॉसिबल है। प्लस इस लोकेशन को एक्सेस करने का भी क्या हुआ p.x। देखा जाए तो x का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, लेकिन फिर भी इसके लिए स्पेस कितना एलोकेट होगा, इंटीजर का साइज क्या था 16 bit, लेकिन यहाँ बिट फील्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऐड किया, इसलिए टोटल कितने बिट्स एलोकेट होंगे ओनली 3 bits नॉट अ 16 bits। क्लियर, देयरफॉर वी आर क्रिएटिंग मेमोरी स्पेस और मेमोरी ब्लॉक एज अ 3 bits, लेकिन 3 bits के केसेस में फर्स्ट टाइम x में 1 असाइन किया, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, 4, 5, 6, 7, 8। मीन्स वी वॉन्ट टू असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू, वी वॉन्ट टू टेस्टिंग इस डिफरेंट वैल्यू स्टोर कराने के रिस्पेक्ट में करेंटली इसका आउटपुट क्या हुआ। फर्स्ट वन एट ए टाइम ए की कॉम्बिनेशन कॉन्सल्ट्रेट करना, फर्स्ट केस में असाइन क्या कराया p.x = 1 इन दैट केस। तो सबसे पहले सेम है प्रीवियस रूल्स फॉलो करेंगे, सबसे पहले 1 किस में आसान कराएंगे लोकेशन x में, 1 ऑलरेडी बाइनरी बिट है इसलिए डायरेक्टली क्या आसान कराएंगे 1 इनसाइड p.x। लेकिन 1 के केसेस में बात करें बाइनरी बिट्स कितने ओनली 1, लेकिन मेमोरी स्पेस कितना है 3 bits, इस केस में 1 आसान कराओ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
व्हाट इज द रिमेनिंग बिट वैल्यू, रिमेनिंग बिट्स में असाइन क्या कराएंगे, डिफॉल्ट वैल्यू एज 0 0। देन सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ एक्स, मीन सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट किया, देन एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। जब एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करोगे तो सबसे पहले चेक करेंगे इट्स साइन बिट, और करेंटली इस केस में एक्स का साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है, साइन बिट इज 0, 0 मीन्स नंबर इज पॉजिटिव पॉजिटिव। देन इसका डायरेक्टली डेसिमल नंबर निकालना पॉसिबल, रूल क्या था, जब भी आप बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट करोगे तो बाइनरी टू डेसिमल के केस में चेक क्या हुआ, इट्स साइन बिट ऑलवेज, साइन बिट या तो 0 होगा या 1 होगा, अगर साइन बिट 0 देन डायरेक्टली वी आर फॉलोइंग बाइनरी टू डेसिमल रूल, और साइन बिट अगर 1 है देन बाइनरी टू टूज कॉम्प्लीमेंट टू डेसिमल कन्वर्जन फॉलोड बाई माइनस साइन। करंटली साइन बिट 0 इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा टू कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन अप्लाई करने की नीड नहीं, डायरेक्टली परफॉर्म क्या करें इस केस में सिंपली डेसिमल, डेसिमल क्या इसका डायरेक्टली 1, इसलिए फर्स्ट प्रिंट टैप के थ्रू पी डॉट एक्स का वैल्यू डिस्प्ले होगा एज 1, मीन्स पी डॉट एक्स के प्लेस पर इसका रिप्लेसमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ पी डॉट एक्स विच इज 1, इसलिए प्रिंट टैप के थ्रू डिस्प्ले भी क्या हुआ ऑल्सो 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अगेन करेंट वैल्यू क्या है एक्स का 1, नेक्स्ट टाइम अगेन असाइन करा पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 2, पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 2, जब 2 असाइन कराएं तो 2 के केसेस में सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी नंबर ऑफ 2 विच इज 1 0, लेकिन एक्स के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं 3, तो बाइनरी नंबर 3 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बिट एड करा लेंगे एज अ 0, देन ओनली इसको एक्स में असाइन करना पॉसिबल है। जब ये वैल्यू डेटा एक्स में असाइन करें देन एग्जिस्टिंग बिट्स न्यू बिट्स से रिप्लेस हो जाएंगे, सबसे पहले इस केस में असाइन क्या हुआ 0 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन्स दिस ओल्ड डेटा विल बी रिप्लेस्ड बाई न्यू डेटा, सबसे पहले क्या असाइन हुआ 0, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम अगेन 0, चेक इट व्हाट इज द साइन बिट, साइन बिट अगेन क्या फाउंड हो रहा है इस केस में अगेन 0, देयरफॉर नंबर इज अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए प्रिंट टैप के थ्रू जब पी डॉट एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो रिक्वायर्ड क्या होगा डेसिमल वैल्यू, इक्वलेंट डेसिमल क्या है ऑल्सो 2, बिकॉज इट इज अ बाइनरी नंबर ऑफ 2। फाइनली इस केस में पी डॉट एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 2, तो इसलिए प्रिंट टैप से मैसेज भी क्या प्रिंट हो जाएगा एग्जैक्टली 2। नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट नेक्स्ट केस वी आर असाइनिंग 3, इसे एग्जैक्टली इस प्रोग्राम को क्रिएट करने का मेन पर्पज क्या है, जनरली मैंने आपको डिस्कस किया था वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी था रेंज ऑफ वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल के केस में टू टाइप के रेंज होंगे, मिनिमम परमिटेड वैल्यू मैक्सिमम परमिटेड वैल्यू, मीन्स किसी वेरिएबल्स के अंदर मिनिमम वैल्यू कितना अलाउड हुआ और मैक्सिमम वैल्यू किस रेंज तक अलाउड हुआ, इस प्रोग्राम या इस कोड के थ्रू ऑब्जर्व करना पॉसिबल हुआ। एट द लास्ट केस, इस केस में से जब 3 बिट्स के केस में जब एक्स का साथ 3 बिट है 1 आसान कराया तो 1 के केसेस में रिजल्ट भी क्या प्रिंट हुआ था ऑल्सो 1, सेम एज 2 आसान कराया तो 2 के केसेस में रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ है ऑल्सो 2, मीन इस केस में कोई भी डेटा लॉस्ट होने के चांसेस नहीं हुए, एग्जैक्टली सेम डेटा स्टोर हुआ है। नेक्स्ट टाइम सेम केस में आसान कराया पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 3, जब सेम लोकेशन में 3 आसान कराए देन एग्जिस्टिंग बिट आप रिप्लेस कैसे करा बाइनरी नंबर ऑफ 3, और 3 का बाइनरी क्या है 1 1, लेकिन ये डेटा 3 बिट्स में असाइन करने के लिए रिमेनिंग बिट्स से एक्स्ट्रा बिट क्या ऐड करा हुआ 0, ये राइट मोस्ट बिट में क्या असाइन हुआ 1, नेक्स्ट वन अगेन 1, नेक्स्ट वन 0, अगेन साइन बिट 0 फाउंड हो रहा है, मीन्स नंबर कैसा अगेन पॉजिटिव। जब प्रिंट टैप के थ्रू पी डॉट एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करें रिक्वायर्ड क्या हुआ बाइनरी टू डेसिमल 0 1 1, मीन्स नंबर इज पॉजिटिव 0, साइन बिट क्या 0, तो डायरेक्टली रिक्वायर्ड क्या बाइनरी टू डेसिमल, और डेसिमल वैल्यू क्या इसका अगेन 3, इसलिए इस केस में पी डॉट एक्स के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस होगा एज अ 3, देयरफॉर फाइनल रिजल्ट प्रिंटेड बाय दिस प्रिंट टैप इज 3, मीन्स इसका मतलब 3 भी 3 बिट्स में स्टोर करना पॉसिबल है। नेक्स्ट केस चेक करते हैं इस केस में, व्हाट अबाउट 4, मीन्स जैसे इस केस में पी डॉट एक्स में नेक्स्ट टाइम क्या असाइन किया गया है वैल्यू एज 4, देन अगेन वी वॉन्ट टू क्रिएटिंग मीस अगेन, फिर से जब एक्स में 4 असाइन करो तो 4 के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ इट्स बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर क्या इसका 1 0 0, एक्स के पास अवेलेबल भी कितने बिट्स हैं 3 और रिक्वायर्ड भी कितने 3, मीन्स सक्सेसफुली बिट्स को असाइन करना पॉसिबल है।
सबसे पहले क्या आसान होगा, जीरो देन जीरो देन वन, मीन्स प्रीवियस केसेस में एवरी टाइम साइन बिट क्या था, जीरो, इसलिए नंबर कैसा था, पॉजिटिव। इस केस में फिजिकली देखा जाए तो फोर क्या, पॉजिटिव नंबर, लेकिन जब ये नंबर मेमोरी में स्टोर कराया, मेमोरी में साइन बिट के प्लेस पर क्या शो हुआ है, एज अ वन, इस नंबर कैसा है, लॉजिकली पॉजिटिव और निगेटिव, दिस इज अ निगेटिव नंबर नॉट अ पॉजिटिव नंबर। और सिंपली जब पी डॉट एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करोगे वो यूजिंग प्रिंट एफ, तो रिक्वायर्ड क्या हुआ इस केस में, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए सबसे पहले सेम रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे साइन बिट, साइन बिट कौन सा है, जीरो और वन, साइन बिट क्या है, वन, तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ, सेकेंड, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग पहले जो भी नंबर गिवन है, ओरिजिनल नंबर क्या गिवन है इसके, इसमें वन जीरो जीरो, सबसे पहले इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा, तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, जीरो वन वन प्लस वन, वन प्लस वन इज जीरो कैरीज वन, वन प्लस वन इज जीरो कैरीज वन, जीरो प्लस वन इज वन, चेक करो इस केस में टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेम एज ओरिजिनल नंबर। इस केस में एक फैक्ट है, इस अगर किसी भी बिट रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट बिट वन है रिमेनिंग बिट जीरो, देन इसका ओरिजिनल नंबर का बाइनरी फॉर्म और टूज कॉम्प्लीमेंट का बाइनरी फॉर्म एग्जैक्टली सेम क्रिएट हुआ, मीन्स वन जीरो जीरो, देन टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद रिक्वायर्ड क्या, डेसिमल वैल्यू, इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, फोर, बट फॉलोड बाई माइनस साइन बिकॉज ऑफ साइन बिट इज वन, इसलिए साइन कौन सा अप्लाई हुआ, माइनस फोर, मीन्स थ्री के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम क्या साइन हुआ इसमें, मीन्स थ्री से बड़ा नंबर स्टोर करना पसंद, जैसे थ्री से बड़ा नंबर स्टोर किया ऑटोमेटिकली इससे छोटे नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज माइनस फोर इज लेस देन थ्री, मीन्स थ्री बिट्स के केसेस में मैक्सिमम अलाउड रेंज क्या है, थ्री, पॉसिबल नंबर पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे, जीरो वन टू थ्री लाइक दैट। इन नेक्स्ट केस अगेन फाइनली प्रिंट टाइप से क्या डिस्प्ले होगा, माइनस फोर इन केस ऑफ फोर। अगेन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस में एक्स में असाइन करा गया वैल्यू एज फाइव, इन नेक्स्ट प्रिंट वी आर असाइनिंग वैल्यू ऑफ एक्स एज फाइव, अगेन चेक करते हैं फाइव जब थ्री बिट्स के अंदर फाइव असाइन कर देते हैं, फाइव का करस्पॉन्डिंग बाइनरी फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले इसका बाइनरी नंबर निकालें तो बाइनरी क्या आ रहा है, वन जीरो वन, रिक्वायर्ड बिट्स कितने, थ्री, ऑलरेडी अवेलेबल बिट्स कितने, थ्री, अगेन असाइन क्या कराएंगे, राइट टू लेफ्ट वन जीरो वन, उसके जस्ट बाद जब प्रिंट टैप के थ्रू पी डॉट एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराएं तो वैल्यू डिस्प्ले कराने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ, डेसिमल वैल्यू, एग्जैक्ट करंट वैल्यू क्या है, 101, इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, डिपेंड करेगा साइन बिट क्या है, साइन बिट 1 है इसलिए रूल कौन सा अप्लाई हुआ, सेकंड, अगेन फिर से रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट, 101 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसे पहले वंस 010 ऐड कराएंगे, 1 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, दिस इज द डेसिमल वैल्यू, इसका इक्वेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, 3, प्लस रूल्स के अकॉर्डिंग साइन अप्लाई करेंगे जब माइनस साइन, जब जैसे इस केस में 5 असाइन करा तो 5 के रिस्पेक्ट में क्या मिला, माइनस 3, मीन्स इस प्रिंट टैप के थ्रू डिस्प्ले क्या हुआ, वैल्यू एज माइनस 3, जैसे 3 बिट्स में 4 असाइन कराया तो 4 के रिस्पेक्ट में क्या मिला, माइनस 4, सेम एज 5 असाइन कराया तो 5 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रहा है, माइनस 3, मीन्स 4, जब 5 को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करो इक्विवेलेंट किसके हुआ, माइनस 3 के, मीन्स 3 से बड़ा कोई भी नंबर असाइन करोगे देन ऑटोमेटिकली छोटे और स्मॉल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज 3 बिट्स में 3 से बड़ा नंबर स्टोर करना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट वन, इन नेक्स्ट केस वी आर असाइनिंग पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 6, पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 6, पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 6 केस में सबसे पहले 6 का बाइनरी नंबर कैलकुलेट करें, 6 का बाइनरी क्या है, 110, 110, 110 असाइन करेंगे, 110, अगेन इसका जब डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले कराएं वाई यूजिंग प्रिंट टैब, डेसिमल के अकॉर्डिंग साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है, 1, मीन्स नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ, इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 ऐड कराएंगे, आ जाए 1,
1 plus 1 is directly 2, or we can say 1 plus 1 is 0 and 1, 0 plus 1 is 1, 0. डेसिमल क्या है इसका, अगेन 2, लेकिन नंबर का साइन रूट 1 है, इसलिए साइन मींस रूल्स के अकॉर्डिंग डेसिमल वैल्यू के साथ साइन कौन सा अप्लाई हुआ एवरी टाइम, माइनस, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस 2. फाइनली इस प्लेस पर p डॉट x का वैल्यू जब 6 आसान कराया तो 6 की केस में डिस्प्ले क्या हुआ, माइनस 2, नेक्स्ट वन इट विल प्रिंट माइनस 2. मीन्स जैसे ही x में 6 आसान कराया, 6 के रिस्पेक्ट में रियल में मेमोरी में क्या स्टोर हुआ है, इक्विवेलेंट टू 6 इज माइनस 2. नेक्स्ट टाइम क्या आसान कराया, p डॉट x इक्वल्स टू 7. देन चेक करते हैं 7 के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेड रिजल्ट क्या हुआ इस केस में. अगेन इस केस में रिक्वायर्ड क्या है, बाइनरी नंबर ऑफ 7, और 7 का बाइनरी क्या है, 3 टाइम्स 1. देन इस 3 टाइम्स 1 को x में असाइन कराएंगे 1 1 1. देन जैसे इसका वैल्यू डिस्प्ले कराओ तो वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम में प्रिंट हुआ, डेसिमल वैल्यू क्या है इसका, अगेन साइन बिट इज 1, साइन बिट 1 है तो सेकंड रूल अप्लाई करें. सेकंड रूल के अकॉर्डिंग पहले 2 इज कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड, जब भी साइन बिट 1 होगा देन एवरी टाइम रिक्वायर्ड क्या हुआ, इट्स 2 इज कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले 1s, 1s कॉम्प्लीमेंट क्या इसका 0 0, ऐड कराएंगे 1, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0 0, डेसिमल वैल्यू इज 1. साइन क्या आया इस केस में, रूल्स के अकॉर्डिंग माइनस साइन अप्लाई करने, इसलिए रिजल्ट क्या है, माइनस 1. माइनस 1, तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट हुआ, सेम प्रीवियस लाइन में माइनस 1. वन मोर थिंग्स, इस केस में ऑब्जर्व कर सकते हो जब भी किसी नंबर के ऑलवेज 1 होंगे देन एवरी टाइम इसका बाइनरी नंबर डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज माइनस 1. और जब भी आपको माइनस 1 का बाइनरी नंबर रिक्वायर्ड होगा, माइनस 1 का बाइनरी नंबर ऑलवेज क्या हुआ, ऑल टाइम्स 1, चाहे वो 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करो या 4 बिट्स में या 1000 बिट्स में. नेक्स्ट वन इज फाइनली इस केस में असाइन क्या कराया था, 7, और 7 के इक्विवेलेंट आउटपुट क्या मिला है, माइनस 1, नॉट अ 7, बिकॉज 7 अगेन नॉट अ मैक्सिमम, मीन्स 3 बिट्स में कभी 3 से बड़ा नंबर स्टोर करना पॉसिबल नहीं हुआ. लास्ट टाइम फाइनली पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 8, पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 8, 8 के केस में बाइनरी नंबर क्या है इसका, 1 0 0. इस केस में अगर बात करें तो एक्स 8 को स्टोर कराने के लिए टोटल रिक्वायर्ड बिट्स कितने होंगे, 4 बिट्स, लेकिन एक्स के पास अवेलेबल बिट्स कितने हैं, 3 बिट्स. 4 बिट डेटा को 3 बिट्स में कंप्लीटली स्टोर कराना पॉसिबल नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई बकेट है, उस बकेट का कैपेसिटी है समथिंग 4 लीटर, देन सेम बकेट के कंटेंट्स अदर बकेट में, अदर कंटेनर में फिल करना है, और नेक्स्ट कंटेनर का कैपेसिटी है समथिंग 3 लीटर. अगर 4 लीटर वाला बकेट ऑलरेडी फिल्ड है कंप्लीटली, देन इसके कंटेंट्स अगर 3 लीटर्स में कॉपी करेंगे देन इसको कंप्लीटली कॉपी करना पॉसिबल नहीं, लेकिन इसका पर्टिकुलर 3/4 पार्ट इसका फिल करना पॉसिबल है. 3/4 पार्ट मीन्स इसका पर्टिकुलर पार्ट तो सेव करना पॉसिबल, लेकिन रिमेनिंग केस कैसा होगा इसका, लॉस्ट. अगर आप इस केस को भी फिल करने के लिए ट्राई करो देन इसको कंसिडर करें लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, सेम एज इन दैट केस. इस केस में भी एक्स के पास कितने बिट्स अवेलेबल हैं, 3 बिट्स, लेकिन 8 का बाइनरी नंबर स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड बिट्स कितने हैं, 4. इसको कंप्लीटली कॉपी करना पॉसिबल नहीं, लेकिन जब जैसे आप इस नंबर को 3 बिट्स में कॉपी करो तो कॉपी करने का रूल क्या था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 0 इज कॉपीड, अगेन 0 इज कॉपीड, अगेन 0 इज कॉपीड, लेकिन रिमेनिंग 1 को या रिमेनिंग अगर कितने बिट्स होते, ये सारे बिट्स इस केस में कंसिडर होंगे जाए डिस्कार्डेड बिट और लॉस्ट बिट. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 इन 3 बिट रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 बिट्स. इसके जस्ट बाद एक्स का जब वैल्यू डिस्प्ले कराओ साइन बिट 0, इसका डेसिमल भी क्या है, ऑल्सो 0, इसलिए फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा एज अ 0. मीन्स 8 के केस में रिजल्ट क्या है, 0. वन मोर केस, सपोज दैट और इस केस में 9 असाइन कर दें तो देन 9 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आएगा, अगेन रिस्पेक्ट टू 9. अगर 9 असाइन करने के लिए ट्राई करेंगे देन 9 के केसेस में रिक्वायर्ड क्या हो, बाइनरी नंबर ऑफ 9 1001, तो इस केस में राइट मोस्ट बिट असाइन हो जाए 3
0 0 1, साइन बिट 0, नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव देन इस केस में डेसिमल वैल्यू क्या आएगा 1 अकॉर्डिंग टू साइन बिट 0, 0 केस में डायरेक्टली बाइनरी टू डेसिमल पॉसिबल है, रिजल्ट क्या इसका इक्वलेंट टू 1, मीन्स 9 के केस में क्या है 1, अगर 10 असाइन करेंगे 10 के केस में क्या आएगा 2, 11 असाइन करेंगे 11 के केस में क्या आएगा 3, अगर 12 असाइन कर दो 3 बिट्स में 12 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 3 के जस्ट बाद अगेन क्या मिलेगा 12 के केसेस में क्या आएगा माइनस 4, बिकॉज चेक कर दें पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 12, 12 का बाइनरी क्या है 1100, तो इस केस में राइट मोस्ट 3 बिट्स कॉपी होंगे 100, साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है इसका 1, नंबर इज नेगेटिव, डेसिमल क्या आएगा 4, इसलिए इक्वलेंट किसके माइनस 4 के। इस अभी करेंटली मैंने शो किया अगर 3 बिट्स में आप कोई भी नंबर असाइन कराओगे मैक्सिमम अलाउड वैल्यू क्या हो सकता है 3, 3 से बड़ा कोई भी नंबर स्टोर करना पॉसिबल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करेंगे व्हाट इज द अलाउड मिनिमम वैल्यू इन 3 बिट्स,